मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा वार किया है। सिंधिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जनता ने उन्हें उनके घर की 7 सीटों पर हरा दिया है। ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, लेकिन इसी क्षेत्र में उनके उम्मीदवारों की हार हुई है। धनतेरस के दिन कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, गद्दारों को सबक सिखाओ, जनता ने सिंधिया को उनके घर की 7 सीटों पर पराजित कर दिया है, निर्णय साफ है, गद्दारी नहीं माफ है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दुनिया के पहले नेता हैं जो अपनी पराजय पर खुश है। सिंधिया जी, आप ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जिले की 7 सीटें हारे हो। पतन का उत्सव हुई महापतन को आमंत्रण है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब महल की नींव हिल चुकी है, हवाबाजी नहीं, आत्मावलोकन कीजिए। आपको बता दें कि सरकार गिरने के बाद से ही कांग्रेस के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हैं। वहीं स्टार प्रचार के तौर पर मध्य प्रदेश के राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जमकर बरसे, लेकिन अपने जिगरी दोस्त सिंधिया का ख्याल रखा तो दोनों के बीच गुपचुप मुलाकात भी काफी सुर्खियों में रही। और अब सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सचिन पायलट ने अस्वस्थ होने पर उनके जिगरी दोस्त और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सचिन पायलट की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस बात की जानकारी खुद पायलट ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो भी लोग पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृपया अपना परीक्षण करवा लें। मैं डॉक्टर की सलाह ले रहा हूं और जल्द ठीक होने की उम्मीद है। सिंधिया ने ट्वीट कर पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने लिखा, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में सचिन पायलट ने कई सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया था। सिंधिया की घेराबंदी करने के लिए लाना कांग्रेस की रणनीति थी, लेकिन इस दौरान पायलट ने अपने दोस्त सिंधिया पर कोई सीधा हमला नहीं बोला। इसके अलावा आपको बता दें कि जब राजस्थान में भी सियासी घटनाक्रम बदला था, तब ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि सिंधिया की तरह पायलट भी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही दोनों अभी अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती अभी भी बरकरार है। बहरहाल एक बार फिर सियासी गलियारों में पायलट सिंधिया की दोस्तियां सुर्खियों में है। कांग्रेस एक और सिंधिया पर हमलावर है, वहीं पायलट और सिंधिया के बीच एक बार फिर गठजोड़ चर्चाओं में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।